अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्टडी हब। हमने स्टार्ट किया, आज करना है चैप्टर नंबर 2। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से 10 मार्क्स के आपको आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसमें से 2 पार्ट्स आते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे जब भी आप करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो अब यहाँ पे है चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन है इसका। पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले इसकी डिफाइन कर लेते हैं हम। अब डिफरेंशिएशन का मतलब हमारे पास है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इसमें आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले यहाँ पे इसकी सिंपल इक्वेशन बता देती हूँ कि इसकी इक्वेशन क्या है। तो हमारे पास आएगा इसका जो रेट ऑफ चेंज है, जाएगा डेल्टा एक्स लिख लें या वैसे उसको लिमिट में लिख लें, ऐसे लिख लेते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो इधर आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ चेंज, ये चेंज है जो डिफरेंस, जब भी डिफरेंस आ जाता है वो क्या होता है इसका, चेंज कहलाता है। और डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से, जो हमारे पास इक्वल होता है डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल होता है। अगर देखा जाए इसका एवरेज रेट, अगर हम बात करें इसके जो इसका एवरेज रेट है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, उसे हम कैसे लिखेंगे, जो एवरेज चीज होती है हम क्या करेंगे इसका, फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन में से हम एफ ऑफ एक्स माइनस कर देंगे और इसे डिवाइड कर देते हैं हम एक्स माइनस x1 एंड x, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका चेंज होगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास है फॉर एग्जांपल, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल है या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, आप ये भी लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर, विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब इसका मतलब है हम यहाँ पे कोई लिख लेते हैं फंक्शन, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम जो y है वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जबकि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये इनडिपेंडेंट वेरिएबल। डेफिनेशन में चेक करें कि वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, वन आर मोर इंडिपेंडेंट का मतलब है कि देखिएगा ये जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स टर्म में आपके पास फंक्शन कोई भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख लेते हैं हम यहाँ पे फंक्शन के वाई इज इक्वल टू है, आपके पास वाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिएगा ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, यहाँ पे देखिएगा एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है प्लस वन है, या फिर मजीद और भी हो सकता है कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। अब यहाँ पे जो एक्स टर्म्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे इनको वैल्यूज असाइन की जाएंगी जिससे हमारे पास ऑटोमेटिकली इस पर वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये डिपेंडेंट है, ये इन पर डिपेंड कर रहा है, जो एक्स है इंडिपेंडेंट है, इनको जो वैल्यूज हैं अगर हम असाइन करते जाए तो हमारे पास क्या है, वैल्यूज चेंज होती जाती हैं। इसी तरह से ये जो टर्म्स हैं ये इंडिपेंडेंट मोर वन एंड मोर है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जस्ट ये जो डिफरेंशिएशन है वो डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास जो है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपका मेन फंक्शन होता है कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जो आपने यूज करना है, और ये साइड टर्म हमारे पास इंडिपेंडेंट है और ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम इस डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं वैल्यूज में चेंज लाने के लिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या है, डिफरेंस, ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है उसका, चेंज,
हम एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल में कैसे चेंज लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज है, अगर यहाँ पे एक्स टू है तो यहाँ पे एक्स वन आ जाएगा। क्योंकि देखिएगा आपने 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर आपके पास आ जाता है ऐसे एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, तो ये इसका रेट ऑफ चेंज होता है। हम इस तरह से यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x1 है, इधर x है, अगर यहाँ पे x2 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनका चेंज है। तो ये डिफरेंशिएशन है, इसे हम क्या लिखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं, जो हमारे पास क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। और ये हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स के इक्वल है। अगर आपको इसमें डिफरेंशिएशन समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको मजीद इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।